दोस्तों मेरा नाम है शुभम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डीएसएसबी प्राइमरी टीचर का एग्जाम एनालिसिस, पूरी डिटेल बताऊंगा। देखो सबसे मतलब बेसिक चीज़ें बताता हूं, फिर उसके बाद थोड़ा मतलब मैं पूरी डिटेल बताऊं आपको, क्वेश्चन बताऊंगा जो आए थे, ठीक है। मतलब पूरा एकदम पैटर्न वगैरह सब बताता हूं। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक डीएसएसबी का कोई भी एग्जाम नहीं दिया है तो आपको ये पता होना चाहिए कि डीएसएसबी का जो एग्जाम पैटर्न है वो थोड़ा सा सबसे अलग है। क्योंकि आपको पता हो, जैसे हम डीएसएसबी का मानो कोई भी एग्जाम दिया, आपको पता है जैसे कि 100 नंबर आपके मतलब ये थे रीजनिंग, जीके, मैथ, इंग्लिश और हिंदी, और 100 नंबर की आपकी साइकोलॉजी, मतलब ठीक है। तो आगे इसमें मतलब जो साइकोलॉजी में टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह, देखो सबसे पहले बता दो कि इसमें क्या होता है कि एक सीक्वेंस दे रखा होता है डीएसएसबी ने, जिसे मतलब आप अपनी, जैसे आपको मानो एक सीक्वेंस इन्होंने दे रखा है, पहले आपको रीजनिंग करनी है, फिर आपको जीके, फिर आपको मैथ, फिर आपको इंग्लिश, फिर आपको हिंदी, फिर आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो, ठीक है। इसमें क्या है, उन्होंने 20-20 के सेट बना रखे हैं। इसमें क्या, अगर आप चाहते हो कि आप पहले हिंदी करो तो ऐसा नहीं कर सकते, अब जो उन्होंने पैटर्न दे रखा है उसी में आपको फॉलो करना पड़ेगा। रीजनिंग करनी है, फिर जीके, फिर किसी पार्ट को आप स्किप नहीं कर सकते। अगर आपको स्किप करना है तो सबमिट के बटन पे, जैसे मानो मैंने रीजनिंग के 20 क्वेश्चन करे तो मैंने सबमिट पे क्लिक करा, वो फिर मैं छोड़ दूंगा, मतलब वो क्वेश्चन खाली जाएंगे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, तो मतलब उन क्वेश्चन को मैं कर नहीं सकता फिर, ठीक है। मतलब एक तो ये हो गया, मतलब ये बताना जरूरी था, क्योंकि उसमें क्या बहुत बच्चे सोच रहे हैं अलग से स्ट्रैटेजी बना के जा रहे हैं, मैं इतने सेकंड में ये, इतने मिनट में ये वगैरह। तो पहले बता दूं, मिनट के हिसाब से अगर आप टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से जाओगे तो पहले आपको रीजनिंग करनी ही करनी है। अगर आप सोच रहे हो पहले मैं हिंदी कर लूँ, नहीं, ठीक है, पहले आपको रीजनिंग करनी है, फिर आपको जीके करनी है, फिर आपको मैथ, फिर आपको इंग्लिश, फिर आपको हिंदी, ठीक है, ये हो गया। और दूसरी बात ये बता दूं, आपको दोनों उसमें सेपरेटली क्वालिफाइड करना है, मतलब दोनों में अलग अलग, दोनों की मेरिट अलग जाएगी। उसमें ये मत सोचना कि 200 में से फुल नंबर मिलेंगे, नहीं, जिसकी मेरिट जाएगी 100 की अलग जाएगी और 100 की अलग जाएगी, ठीक है। अब बता दूं आपको थोड़ी बहुत डिटेल, मतलब क्या क्या इसमें चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चन आए, कितने आए। जीके में सबसे एंड में बताऊंगा, क्योंकि जीके के मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। उससे पहले सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग। रीजनिंग थोड़ा सा कैलकुलेटिव, तो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा, क्योंकि अगर आप देखो ग्रेड 4 दास का अगर आप एग्जाम वगैरह देखोगे तो उसमें रीजनिंग थोड़ी सही थी, पर इसमें थोड़ी लो, मतलब इसका जो पेपर बनता वो का मतलब लो था मुकाबले दूसरे के। मैं आपको बताता हूँ रीजनिंग के थोड़े बहुत चैप्टर बताऊँ। देखो अगर आप वो क्या नाम है, सीरीज आप रट लो, अल्फाबेटिक सीरीज, नंबर सीरीज, ये मैंने अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ अल्फाबेटिक सीरीज और नंबर सीरीज डीएसएसबी का सब में मतलब ये चिपकाने का तरीका है, ये जरूर चिपकाती है वो, डीएसएसबी हमेशा चिपकाती है। एक आधा क्वेश्चन आपका कथन निष्कर्ष थोड़ा टफ पड़ जाता है, क्योंकि अगर जिसे कथन निष्कर्ष नहीं आता थोड़ा उसे देख रहे ना, कथन निष्कर्ष से भी एक आधा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। फिर आते हम कोडिंग डिकोडिंग से हमारे 2 से 3 क्वेश्चन थे, डायरेक्शन के 2 क्वेश्चन थे, पजल थे भी 2-3 क्वेश्चन, ठीक है। मतलब इसमें मतलब एक तो क्या नाम है आपकी डायरेक्शन हो गया, मतलब रीजनिंग इतनी टफ नहीं थी, बस हल्की एक आधा क्वेश्चन कैलकुलेटिव था, पूरी टफ नहीं थी, ठीक है। मैथ बिल्कुल सिंपल थी, बिल्कुल मैथ का किसी ने नहीं बताया मुझे कि काफ़ी हार्ड थी, ठीक है। मैथ का एक आधे ने क्वेश्चन भी बताया था, जैसे कि कोई पॉपुलेशन है कि क्या नाम है बढ़ती है, मतलब तो इसे कितने परसेंट से बढ़ी होगी। चैप्टर बताता हूँ पहले मैं आपको, कौन कौन से पढ़ लो, देखो क्या क्या चैप्टर है। देखो एक तो सिंपल इंटरेस्ट आया और एक कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट भी ज़्यादा हार्ड नहीं था, कंपाउंड इंटरेस्ट भी बिल्कुल हार्ड नहीं था, टाइम एंड वर्क का था, ठीक है। एक आपका क्या नाम है था, ट्रेन से रिलेटेड था, ठीक है, ट्रेन से भी 2-3 क्वेश्चन थे, सिंपलीफिकेशन से 2-3 क्वेश्चन थे। एक आपका प्रॉफिट एंड लॉस काफ़ी लड्डू था, मतलब ये मत देखो मैथ ना, अगर मैं मैथ पूरी वाक्य में मैथ पूरी लड्डू थी। मैथ का जो DI वगैरह वो भी इतना हार्ड नहीं था, क्योंकि अगर आप बाकी एग्जाम में देखोगे ना DSSB के, तो अगर उन्होंने DI देखोगे तो DI बाकी क्वेश्चन से ज़्यादा हार्ड पड़ रहा है, लेकिन इसमें ना मतलब मैथ बिल्कुल मैं बिलो एवरेज है मैथ तो, ठीक है। एक हमारा एवरेज से रिलेटेड था, ठीक है, एरिए से भी था, एरिए में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, एरिया चैप्टर आपको सर्कल का क्या नाम है सब मतलब सर्कल जितने सारे फॉर्मूले आपको रटे हुए होने चाहिए कि किसका पेरीमीटर क्या है, किसका मानो ये किस मतलब ये सारे इसका मतलब समझ लो शेप, अपने क्यूब स्क्वायर सबकी शेप वगैरह देखो, इनके मतलब शेप के फॉर्मूले याद कर लो ना, सिलेंडर वगैरह, तो यही हमने बहुत है, मतलब इससे ज़्यादा कुछ वो नहीं है, ठीक है। मैथ काफ़ी लड्डू, अगर आपकी मैथ की प्रैक्टिस है तो मैथ में काफ़ी कह रहा हूँ, मैथ में आपके पूरे मतलब 20 क्वेश्चन है ना, मैथ के 20 में से कम आप 18 मार सकते हो मेरे हिसाब से, क्योंकि मैथ आसान थी, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इंग्लिश पे, देखो इंग्लिश पे आने के बाद देखो इंग्लिश पे क्या था, इंग्लिश में 2-4 क्वेश्चन हमारे, देखो एक तो क्या नाम है आपका 2 सिनोनिम्स थे, 1 एंटोनिम था, पैसेज बिल्कुल हार्ड नहीं था, क्योंकि पैसेज बहुत बच्चे बता रहे शॉर्ट था, क्योंकि पैसेज में पता है क्या होता है, पैसेज अगर आप काफ़ी बच्चों के दे मतलब काफ़ी एग्जाम में देखो DSSB ने इतने लॉन्ग पैराग्राफ दे रखे हैं, तो इसमें पैसेज आसान, ठीक है। ईडियम फ्रेज से 2 क्वेश्चन थे, ईडियम फ्रेज भी आसान था, इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स थोड़ा सा हम कह सकते थोड़ा सा मुश्किल रहे, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आसान है, एक निगम अगर आपका एग्जाम अभी नहीं हुआ है तो निगम मान लेना, ठीक है।
टाइप ऑफ सेंटेंस, मतलब ये सेंटेंस रिलेटेड था, सेंटेंस भी ज़्यादा हार्ड नहीं था, मतलब ग्राम क्या नाम है आपका ग्रामर वगैरह थी, मतलब उसमें ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं कहेंगे, मतलब इंग्लिश थोड़ा सा मतलब एवरेज से हल्का सा ऊपर मानना, ठीक है। हिंदी काफ़ी आसान थी, इंग्लिश मुझे मुश्किल लगी जिस तरह से मुझे बच्चों ने बताया, तो मैंने आपको इंग्लिश मैथ वाक्य में लड्डू थे। हिंदी भी आसान थी, देखो हिंदी में एक आपका पर्यायवाची विलोम हो गया, अलंग वो क्या नाम है आपका संधि से भी एक आता था, समास से भी था, एक आपका वो था क्या नाम है विराम, जैसे अल्प विराम अल्प विराम वो जो नहीं होते विराम विराम वाले चैप्टर, उससे भी था एक आपका क्या नाम है उससे समानार्थी शब्द हो गया, ठीक है। मतलब मैथ मतलब हिंदी ज़्यादा हार्ड नहीं थी। अब आते बात करते हैं जीके की, जीके थोड़ी सी हार्ड गया हूँ, हल्की सी, ज़्यादा नहीं गया हूँ। देखो मैं आपको पहले पूरा वो बता दूँ फिर आपको क्वेश्चन बताऊँगा। देखो एक आपका क्या नाम है दो तीन नाम मतलब पाँच से छः करंट के थे, अब देखो बीस में से अगर हम पाँच भी करंट के आ गए तो भी 25% करंट आ गई, बीस क्वेश्चन थे तो बीस में से पाँच करंट के 25% करंट के आ ही रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री से भी हमारे दो तीन क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी से भी थे, साइंस से थे, पर साइंस का मेरे पास एक क्वेश्चन नहीं है क्योंकि साइंस का बच्चों ने बताया पर मुझे वो गलत लग रहा था ऐसा, तो इस वजह से मैंने वो रखा नहीं। खामा का गलत बताने से अच्छा कुछ बताओ मत, ठीक है, मेरे हिसाब से तो ठीक है। तो साइंस का मैंने कहा था क्योंकि साइंस का मुझे भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इस बारे में मैंने साइंस का क्वेश्चन नहीं रखा। देखो सब मैं आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन बताऊँ पॉलिटिकल वगैरह से रिलेटेड। देखो एक तो क्या नाम है जिन जिनके मुझे आंसर पता है उनके आंसर बताऊँ, जिनके नहीं पता उनके नहीं बताऊँगा मैं, ठीक है। एक था प्रेसिडेंट जो मतलब अपने राष्ट्रपति इम्पीचमेंट वो मतलब महाभियोग कैसे कौन से उसमें आता है, कौन से आर्टिकल में आता है, ये आर्टिकल 61 में आता है, आपको पता होगा नॉर्मल सी बात है, ठीक है। एससी एसटी एक्ट किसके मतलब किससे किसके बीच में आता है, ये हमारा आता है 330 से लेकर 332 के बीच में, ठीक है। उसके बाद देखो राज्य सरकार और केंद्र सरकार से रिलेटेड था, ठीक है। वैसे बच्चे ने मुझे बताया राज्य सरकार और केंद्र सरकार में बंटवारा कौन करता है, इनसे मतलब पैसे वगैरह, ठीक है। तो इसका आंसर है फाइनेंस कमीशन, ठीक है, फाइनेंस कमीशन इन दोनों में बंटवारा करता है, ठीक है। एक क्वेश्चन था आपका गुप्त वंश का फेमस शासक कौन था, चंद्रगुप्त फर्स्ट था, ठीक है, चंद्रगुप्त फर्स्ट बहुत ही फेमस था वहाँ पे, ठीक है। अब एक आप एक क्वेश्चन था अभिलेख की शुरुआत किसने करवाई थी, सम्राट अशोक ने इनकी करवाई थी, मतलब अभिलेख की जो शुरुआत थी वो सम्राट अशोक ने करवाई थी। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे आपका क्या फीफा से दो क्वेश्चन थे, फीफा एक तो फीफा 2019 शायद फीफा के बारे में जिसमें थोड़ा कंफर्म नहीं है, फीफा 2019 एक ये वाला क्वेश्चन तो कंफर्म था, फीफा 2022 कहाँ पे होगा, ये होगा आपका कतर में, ठीक है, QATAR, ठीक है, फीफा 2019 शायद ये होगा, पता नहीं फीफा 2019 से भी कुछ रिलेटेड था, ठीक है। एक आता आपका राजीव गांधी अवार्ड किसे मिला, ठीक है, एक आपका इसका आंसर है आपका दीपिका मलिक, एक तो शायद दीपिका मलिक है, एक आपका बजरंग पुनिया करके कुछ है, मतलब आप सर्च करना, ठीक है, जहाँ तक यही है, ठीक है। एक आपके नुब्रा रिवर किसकी सहायक नदी है, ये ठीक है, इसका कोई आंसर मुझे नहीं पता, निकालना पड़ेगा, मैंने क्वेश्चन आया था जिसका मुझे पता था सीधा दे दिया, ठीक है। एक था आपका क्या नाम है हाउ मैनी क्रॉप्स एन एडेड इन MSP, MSP की फुल फॉर्म होती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। एक था आपका महाराज धीराज की उपाधि किसे दी, ठीक है। एक आपका टी बिल से रिलेटेड था, टी बिल का कुछ क्या नाम है मुझे पता नहीं, ऐसे कुछ टाइम पीरियड पूछा था, टी बिल से मुझे ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है। एक आपका अर्जुन अवार्ड से रिलेटेड था, अर्जुन अवार्ड का क्वेश्चन था, जैसे अभी था ना राजीव गांधी अवार्ड, इस तरह अर्जुन अवार्ड से भी एक क्वेश्चन था, ठीक है। मैंने आपको दो मतलब दोनों शिफ्ट के बताया, राजीव गांधी शायद पहली शिफ्ट में आया होगा या फिर दूसरी में, मतलब ये दोनों अवार्ड वाले क्वेश्चन देखो एक ये दूसरी शिफ्ट का, एक ये दूसरी शिफ्ट का, बस मुझे ये नहीं पता कि कौन सा पहले का कौन सा बाद, ठीक है। एक आपका था नदियों में, मतलब जैसे कि पूर्व में कौन सी नदी बहती है, उत्तर मतलब इधर कौन सी नदी बहती है, मतलब आपको नदी भी आपको पढ़नी है, नदी से वैसे एक आधा क्वेश्चन था नदी से, मतलब ये मान लो नदी पर पढ़ लेना क्योंकि काम की चीज़ है। देखो मैंने आपको एक RBI से रिलेटेड था हमारा, ठीक है, जो देखो जीके में मैं आपको बताऊँ, देखो जीके में पूरा अगर हम देखें करंट से 5-6 क्वेश्चन थे, ठीक है। एक आपका क्या नाम है आपका हिस्ट्री से भी दो क्वेश्चन मान लो, ठीक है, पॉलिटिकल से 3-4 क्वेश्चन थे, ठीक है। एक आपका क्या नाम है और आगे आपका ज्योग्राफी हो गया, साइंस से 2-3 क्वेश्चन थे, साइंस का मुझे ज़्यादा कंफर्म नहीं है, तो साइंस का क्योंकि ज़्यादा नहीं मुझे बताया भी नहीं, तो जो ठीक है ये है। इको से भी एक आधा क्वेश्चन हो गया, मतलब मेन हमारा यही है, ठीक है। मैं अब फिर आते हैं फिर साइकोलॉजी, देखो साइकोलॉजी काफ़ी बच्चे बहुत हार्ड बता रहे हैं, बहुत बच्चे बता रहे हैं कि UGC वाला, मतलब जो UGC का लेवल है उस लेवल पर टच हो गया, लेकिन हो भी सकता नहीं क्योंकि साइकोलॉजी में देखो पता है साइकोलॉजी में क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं बताऊँ, देखो एक आधा क्वेश्चन बताता हूँ साइकोलॉजी में। जैसे मानो किसी बच्चे ने कुछ किया,
तो मतलब आप उस जैसे मानो किसी बच्चे ने किसी का सर पे कुछ मार दिया, गलती से मार दिया, जान के मार दिया, कुछ भी कर दिया, तो आप जैसे एक सीधा सा एग्जांपल चोरी का ले लेते हैं, ठीक है, मानो कि एक बच्चे ने, भाई आपकी क्लास में एक बच्चे ने चोरी करी, तो आप क्या करोगे? ठीक है, ए ए ऑप्शन हो गया, आप उसे समझाओगे, ठीक है, दो आप उसे मारोगे, तीन आप उसके माँ बाप से बात करोगे, ठीक है, चौथा चौथा ये हो गया कि ए भी सही है, मतलब एक ऑल ऑफ द अबव सही है, मतलब ऑल ऑफ द अबव हो गया, या तो ए और बी, ठीक है, या बी और सी, ठीक है, या सी और ए, मतलब जो ये वाला कोई, जब ये डी डी ऑप्शन आ रहा है ना, तो डी में बच्चे कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, तो आपको ये थोड़ा पढ़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पता है क्या, ए और बी, अब मानो कोई सोच रहा है ए भी सही है, कोई सोच रहा है बी भी सही है, ठीक है, लेकिन वो सीधा फिर नीचे वाले ही मारेगा, बेशक वो सही ना हो, तो इस टाइप के कोई क्वेश्चन में आता है लफड़ा, तो आपको ये पढ़ के जाना पड़ेगा कि किसमें टीचिंग एप्टीट्यूड इतना मतलब हार्ड तो नहीं है, बस ये जो डी वाला ऑप्शन है इसकी वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है, ठीक है, मतलब तो आप पढ़ के जाना पूरी, मतलब साइकोलॉजी वगैरह पूरी पढ़ना, ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा, वीडियो की रिगार्डिंग किसी भी चीज़ की कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट में बता देना, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।